गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्चुअली थोड़ा दो दिन तक मैंने लेक्चर नहीं किया, बहुत ज़्यादा बिजी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा कि मतलब नहीं ले पाई। इसको जाने देते पहले, ये गया अब बोलती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो रही थी कि मैं नहीं ले पाई। मतलब मैं सोचती थी कि रात को ले लूँ, बट मैं इतना थक जाती थी कि हिम्मत ही नहीं होती थी। तो आज हम अपना कंटिन्यू करते हैं, आज से ज़्यादा लेक्चर लेते हैं ताकि ये जो दो दिन हमने छोड़ा वो कवर हो जाए और आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। आज हमने क्या पढ़ा था, लास्ट हमने पढ़ लिया था नॉन स्टीक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी हमने पढ़ लिया था कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट होता है, किस वजह से होता है, कैसा होता है, ये हमने सब पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज किस पे पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट पे पढ़ेंगे, हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, तो सॉलिड में जो आपकी कंडक्टिविटी की जो रेंज होती है, यानी कि जहाँ जितना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसकी रेंज कितनी होती है, सॉलिड में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की जो आपकी रेंज होती है बेटा, वो होती है आपके 27 तक। 27 तक आपकी एक्सटेंड करती है सॉलिड, आपका इतने रेंज तक आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। क्या रेंजिंग होती है 27, क्या रेंजिंग होती है, रेंजिंग आपकी होती है 10^-22, 10^7। ये हमारी रेंजिंग होती है। इस रेंज में हमारा जो सॉलिड होता है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, अगर मैं डिवाइड करूँ सॉलिड को किस बेसिस में, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन के बेसिस में, तो ये तीन टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं और हमारे इंसुलेटर होते हैं। यही तीन होते हैं हमारे सॉलिड, तीन पार्ट में डिवाइडेड होते हैं किस बेसिस में, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के बेसिस में। ठीक है, इनकी रेंजिंग पढ़ते हैं, फिर एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे, रेंजिंग देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जिसकी सबसे कम रेंजिंग होती है, दैट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर की जो रेंजिंग होती है वो आपकी सबसे कम होती है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन, मतलब मैं बोलूँ कि बिल्कुल ना के बराबर ही करता है, नहीं करता है बोल सकते हैं। तो इसकी जो रेंजिंग होती है वो आपकी 10^-22, 10^-10 ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स इसकी रेंजिंग होती है। ये भी आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा। ठीक है, इतनी इसकी रेंजिंग होती है सबसे कम। फिर आता है सेमीकंडक्टर, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है वो आपका इंटरमीडिएट रेंज में करता है, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो इसकी जो रेंजिंग होती है वो आपकी 10^-6 to 10^4 होती है, 10^4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसकी आपकी रेंजिंग होती है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा कंडक्टर। कंडक्टर जो होता है ये सबसे ज़्यादा, इसके सॉलिड्स जो होते हैं कंडक्टर, वो आपके बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर मैं एग्जांपल आपसे पूछूंगी तो आप क्या बोलोगे, हमने पढ़ा है मेटल, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वह मेटल। वैसे तो मेटल 99% आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, बट थोड़ा बहुत एक्सेप्शन हर जगह होता है। तो वह मेटल जो आपके किस में होते हैं, आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा कंडक्ट करते हैं, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी ही कंडक्शन होती है। और मेटल आपका कंडक्ट कैसे करता है, अगर वो सॉलिड स्टेट में तो कंडक्ट कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन आपका मूवमेंट करेगा और उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इसकी रेंजिंग देखते हैं। इसकी जो रेंजिंग होती है आपकी 10^4 to 10^7 सबसे ज़्यादा होती है ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। ठीक, अब अगर मैं बात करूँ 10^7, यानी कि जो मैटर आपके 10^7 रेंज में होगा उसकी कंडक्शन सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब यही है, क्योंकि सबसे हाई हमारा 10^7 रेंजिंग है ना, इतना हम समझ गए, 10^7 वाला सबसे ज़्यादा है। तो जो मैटर आपके इस वाले रेंज में होगा उसका, वो मैटर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इतना हम समझ गए, इसमें कोई डिफिकल्टी हमें नहीं हुई होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे पढ़ते हैं। चलो,
इसको एक एक करने का मतलब कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर को एक एक करके हम पढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज है जो मैं आपसे पूछना क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करता है क्या वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करता है? नहीं, वो आपका मॉल्टन स्टेट में भी कंडक्ट करता है ना। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है आपकी दो टाइप से कंडक्ट होगी या फिर दो वजह से आपकी कंडक्ट हो सकती है। एक तो आपकी किसके वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। और दूसरा होगा ड्यू टू आयंस, आपके आयंस के वजह से होगा। कैसे होगा? अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, अगर मैं एग्जांपल आपका सॉलिड मेटल ले लूं, क्या सॉलिड मेटल सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को इसी बेसिस में कंडक्ट करेगा? अगर मैं सॉलिड मेटल की बात करूं ना, तो वो आपके सॉलिड स्टेट में भी और आपके लिक्विड स्टेट में भी, दोनों ही में ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। चलो इसको हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है और आयंस की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है। अगर मैं बात करती हूँ कि इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसे कंडक्ट होगी, बताओ। मान लो सोडियम है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन दिया। अगर किसी भी लैटिस में, अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर कोई लैटिस है, इस लैटिस में अगर कोई भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या फिर इंटरस्टीशियल साइड में या फिर किसी जगह पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। समझ आ गया बच्चों? आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मैं बीकर में ले लेती हूं क्योंकि हमें बीकर से ज़्यादा समझ आता है। ये हमारा बीकर है, यहाँ पे आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब किसके इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपने NaCl डाला है। सॉरी बेटा, फोन आ गया था क्योंकि अब मैं इस टाइम पे फ्लाइट मोड में भी नहीं डाल सकती और सच में अर्जेंट कॉल ही था, तो इस टाइम पे आ जाता है, इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है, तो मैं फ्लाइट मोड में नहीं डाल सकती। बट चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बोला था कि हम बीकर में ज्यादा अच्छे से समझते, मैंने NaCl डाला, ठीक है। Na आपका Cl ऐसे ऐसे गया, NaCl तो मैं नहीं लेती क्योंकि वो आयंस में लूंगी। मैंने कोई भी एक कंपाउंड लिया, वो डाल दिया Ab, ठीक है, ऐसे करके डाल दिया। अब क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन, मान लो कि यहाँ से आपका ऑक्सीडेशन हुआ इसका और एक इसने इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके वजह से, इनके वजह से आपका क्या हो रहा है? इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से ही आपके क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपके लैटिस में है उसके वजह से ही आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है। जैसे कि ये आपकी लैटिस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ Cl था, यानी कि जो भी आपने B लिया होगा, ये A मान लो, B आपका निकल गया, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, B आपका निकल गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऑक्सीडेशन की वजह से आया। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपका डिफेक्ट क्रिएट करता है और साथ ही साथ ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका मूवमेंट होता है आपके लैटिस में या फिर आपका इंटरस्टीशियल साइट में आ जाता है या फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वजह से आपका कंडक्शन होता है। मेरा बेसिकली मतलब यही था बोलने का, जो आपका ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के मतलब, जितना ज्यादा आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होगा लैटिस में उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। अगर मैं वही आयंस की बात करूं तो आयंस में मैंने क्या किया, यहाँ पे तो हम बीकर ही लेंगे, है ना। तो Na और Cl मैंने लिया, ये आपका Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हो गया। हमें पता होता है आयंस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। आपका दो टाइप के मतलब, हमारे पास, हम आयंस में यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जैसे पानी में डाला कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया, कंप्लीटली, ठीक है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है आपके सॉल्वेंट में जिसमें आप उसे डालोगे, नहीं डिसोशिएट हुआ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इतने अच्छे से कंडक्शन नहीं होगा। लाइक आपने कोई भी, आपने क्या डाला? वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी CH3COOH डाला, ठीक है। ये आपका वीक एसिड है, ये आपका डिसोशिएट कैसे होगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस,
कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं है, यानी कि कभी भी ये वापस ये बन सकता है, नहीं होता कंप्लीटली डिसोशिएट। वही अगर मैं NaCl डालूंगी, ये कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, कंप्लीटली Na+ और Cl नेगेटिव हमें आइंस दे देगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, यानी कि वापस बन रहा है, यानी कि आइन से वापस अपना वही पैरेंट बन रहा है, पैरेंट रिएक्टेंट जहां से मैंने शुरू किया था। तो यहाँ पे कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा है। जितने ज्यादा आइन्स होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। कहाँ पे होगा? जहां पे कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, यानी कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में होगा। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, आपका कंप्लीटली आइन्स में तोड़ेगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, है ना। चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर का डिपेंडेंट देखूं, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर मैं लैटिस की बात करती हूँ, इसको अच्छे से बना के समझाती हूँ, ठीक है। मैंने आपकी लैटिस की बात करी, ये हमारा एक लैटिस है, ये आपका ए बी ए इलेक्ट्रॉन बी सॉरी ए और बी, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। मैंने टेम्परेचर दिया। अब टेम्परेचर क्या करेगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइंस का मूवमेंट बढ़ेगा। आइंस क्या करते हैं, हमने क्या वो पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ने से आइंस क्या करेंगे, एक दूसरे मूव करने लग जाएंगे। मूव करेंगे यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपके पार्टिकल्स की बढ़ेगी, जो स्पेयर है इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और एटम्स का मूवमेंट शुरू होगा। जब एटम्स मूव करेगा अंदर, एक ही पोजीशन में नहीं करेगा, किसी भी पोजीशन में आपको ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। और अब देखो, पार्टिकल्स आपके मूव कर रहे हैं लैटिस के अंदर, इलेक्ट्रॉन को स्पेस नहीं मिल रहा है मूवमेंट के लिए। किधर मूव करे, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर। तो इलेक्ट्रॉन समझ नहीं पा रहा है कि मैं इधर से मूव करूं, इधर से मूव करूं, इधर से जाऊं, कहां से जाऊं, उसको स्पेस नहीं मिल पा रहा है। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन को स्पेस ही नहीं मिल पा रहा है, तो यानी कि कंडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ढंग से मूव नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्शन आपका कम होता है। यहाँ पे सॉलिड की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने बात करी है सॉलिड की, या फिर मैं बात कर रही हूँ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से जहां कंडक्शन होता है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रोलाइट की। अब मैंने यहाँ टेम्परेचर दिया, क्या होगा, टेम्परेचर दूंगी तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का कोई रोल ही नहीं है। टेम्परेचर दिया, आइंस जल्दी डिसोशिएट होंगे, आइंस डिसोशिएट होंगे, टूटेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से बॉन्ड्स जो होंगे इनके बीच में वो ब्रेक होंगे, डिसोशिएट होगा कंप्लीटली। जितने जल्दी डिसोशिएट होगा, हमारी कंडक्शन उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इतना समझ गए, ठीक है। अब इतना हम समझ गए तो वापस अपने टॉपिक में आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इतना हम समझ गए, अब हम क्या पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे एक एक को, कंडक्टर को, इंसुलेटर को, सेमीकंडक्टर को, कि कैसे ये कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं, ठीक है, कैसे ये कंडक्शन करते हैं। सबसे पहले में हम यहाँ पे लेंगे कंडक्टर। कंडक्टर में हमने क्या बोला है, हम मेटल लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है मेटल जो आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, ठीक है। इसी वजह से आपने देखा होगा, जैसे कॉपर हो गया, हमारी कॉपर की वायर ही होती है, वायर कॉपर की हम वायर लगाते हैं, तो उस कॉपर के वायर हम क्या करते हैं, रबर का कवर करके रखते हैं। क्यों कवर, ये हमारी वायर है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक रबड़ की कवरिंग होती है ऐसे करके। ये जो रबड़ की कवरिंग होती है, ये हमारी इंसुलेटर होती है, और ये जो अंदर है ये आपका मेटल का बना हुआ होता है लाइक कॉपर, ठीक है। इसको क्यों कवर करके रखोगे, अगर ये ना तार एकदम नेकेड होगी, अगर आप इसे टच करोगे तो वो आपके बॉडी पे भी इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या होता है, फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का, आपका सीधा करंट लगेगा हाथ में, ठीक है। इसी वजह से रबर यानी कि इंसुलेटर से आपका कवर करके रखते हैं, क्योंकि इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो इसको जब हम इसको कवर करके रखेंगे, तो वहां पे अगर हम छुएंगे रबर को तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही नहीं रही है, तो वहां पे हम उसे टच कर सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से कॉपर की जो तार होती है उसके ऊपर इंसुलेटर का कवर करके रखते हैं, ठीक है।
तो ठीक है, हमने बोला मैटर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, है ना। तो सॉलिड स्टेट में जो मैटर होते हैं वो हो गए, समझ गए हम। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ मैटर में, मैंने कॉपर ले लिया। ठीक है, इस कॉपर के अपने कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में इनऑर्गेनिक में। इसके ऑर्बिटल्स होते हैं, उस ऑर्बिटल्स में इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कौन से इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन्स में भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपके पार्टिसिपेट कराते हैं बॉन्डिंग में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कराते हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, अब बोल रहा होता है जो कॉपर के ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन से ऑर्बिटल जहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो जो होते हैं उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोल रहे हैं। नाम दे दिया मैंने इस एटम के जो ऑर्बिटल है जहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको मैं एटॉमिक ऑर्बिटल बोल रही हूँ। अब ये बोल रहा है कि मान लो मैंने कॉपर टू ले लिया, यानी कि दो कॉपर ले लिए। अब मैं इन दोनों कॉपर की ओवरलैपिंग कराना चाहती हूँ, तो इसके भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कराएगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवरलैप नहीं करेंगे, मान लो ये आपका ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ पे इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भी इसके जितने भी इसके यानी कि जो भी इसके ऑर्बिटल होंगे उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, वो भी आपके सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके बॉन्डिंग में। ठीक, ओके, तो मैंने क्या बोला, इसके जो इस पे जो ऑर्बिटल होता है दैट इज डी ऑर्बिटल, जहां पे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसके पास डी ऑर्बिटल है जहां पे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब हो जाएगा अभी आपका Cu2 बन जाएगा, और इसका अपना एक ऑर्बिटल बन जाएगा। जहां इनके अलग अलग ऑर्बिटल थे वहां इनके एक ऑर्बिटल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब ये जो दो ऑर्बिटल आपके मिक्सअप कब होते हैं, जब उनकी दो ऑर्बिटल की एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी जब सेम होती है, यानी कि ये आपका कॉपर है, ये आपका कॉपर है, इसके अपने ऑर्बिटल है, इसका अपना एक ऑर्बिटल है। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसका अपना एक ऑर्बिटल है, इसका अपना एक ऑर्बिटल है, इन दोनों की हो रही है ओवरलैपिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी ओवरलैपिंग होती है, Cu+2 Cu+2 ओवरलैपिंग हो रही है। अब कोई भी दो ऑर्बिटल, यानी कि ये जो दो ऑर्बिटल है ये तभी ओवरलैप करेंगे जब इनकी एनर्जी नियरली सेम होगी, आसपास होगी, और ये क्या बना देंगे, आपका एक ऑर्बिटल बना देंगे। ठीक है, क्या बन गया, Cu2। अब ये बोलता है ये जो हमारा एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक हमको देखने को मिलता है वैलेंस बैंड, और एक हमें देखने को मिलता है दैट इज कंडक्शन बैंड। अभी क्या होता है, इन्हीं के वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इतना हम समझ गए, ठीक है, ओके। जो चीज मैं समझा रही हूँ वो एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन लिखी है, अगर आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। तो इतना हम समझ गए कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं एटम्स के वो ओवरलैप करते हैं सेम एनर्जी वाले, और आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपके एटम्स हैं, एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपके ओवरलैप करेंगे और क्या बना देंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे। ठीक है, ये जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, वैलेंस बैंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड बोलेंगे या फिर कंडक्शन बैंड बोलेंगे, दो बैंड मिलते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। जब ये दो ओवरलैप करते हैं एटम्स तो हमारे क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं जिसको हम बैंड बोलते हैं। कितने टाइप के बैंड देखने को मिलते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब यहाँ पे कैसे होते हैं वो देखो, अगर मैं बात करूँ कंडक्टर की, अब हम देखेंगे कंडक्टर पढ़ेंगे, यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं, इंसुलेटर भी आ जाएगा, बैंड समझ गए तो अब तीनों ही समझ जाएंगे, और हमारा सेमी कंडक्टर आ जाएगा। ठीक है,
कंडक्टर में जो हमारे बैंड्स होते हैं ऐसे टाइप के होते हैं, ये हमारा वैलेंस बैंड होता है वीबी दिख रही हूं मैं, और ये मेरा कंडक्टेंस बैंड होता है सीबी। ठीक है, वैलेंस बैंड का मतलब है जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है, लाइक आपके यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। अब बात कर रही हूं अगर मैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर में आपका गैप आपको नहीं देखने को मिलता, ओवरलैपिंग रहती है दोनों की, इलेक्ट्रॉन इजीली इधर जा सकता है, ज्यादा एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है और आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इंसुलेटर की। ओहो, इंसुलेटर में तो कंडक्शन होता ही नहीं है, तो यहाँ पे इतना दूर रहता है कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके वापस, यहाँ जंप करके वापस, यहाँ जंप करके वापस कंडक्शन हो ही नहीं पाता है। और यहाँ पे ये जो गैप होता है इन दोनों के बीच में, यहां से लेके यहां तक का जो गैप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आपका फॉरबिडन गैप बोलते हैं। फॉरबिडन गैप, ये आपका एनर्जी गैप होता है कि यहाँ पे हमने हीट भी दे रहे हैं तो भी ये आपका यहाँ तक मूव करा, नीचे आ गया, यहाँ तक मूव करा, इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, यहाँ तक नहीं जंप कर पा रहा है। सेमीकंडक्टर में गैप इतना नहीं होता है, आपका जरा सा ही होता है, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ जंप करते हैं और आपका कंडक्शन होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा ही। अब सेमीकंडक्टर में अगर मैं एग्जांपल ले लूं, तो सेमीकंडक्टर में मुझे एग्जांपल जो देखने को मिलता है दैट इज सिलिकन और जर्मेनियम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सिलिकन और जर्मेनियम हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम इन्हें बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जैसे सेमीकंडक्टर होते हैं, लेकिन अगर मैं इसका प्रैक्टिकल यूज कराऊं, ठीक है, इंडिविजुअली अगर मैं इसका प्रैक्टिकल यूज कराऊं, ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत पुअर कंडक्ट करता है। तो अगर मुझे इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, हम करते हैं इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज, लेकिन कैसे, अगर मुझे इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो मुझे डोपिंग करवानी पड़ेगी। आप बोलेंगे मैम डोपिंग क्या होता है? बेटा डोपिंग होता है जब आप किसी बाहर से इम्प्योरिटी को ला रहे हो, यानी कि यह आपका सिलिकन का लैटिस है, जैसे हमने पढ़ा था ना इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, वैसे ही टाइप का, या फिर इम्प्योरिटी डिफेक्ट पड़ा था, तो ये सिलिकन का लैटिस है, यहाँ से कोई अनदर एटम लाए और यहाँ पे आपने डोपिंग करवा दी, इम्प्योरिटी ला दी, वो आपका डिफेक्ट क्रिएट कर रहा है। मैं आपके साथ एग्री होंगी, डिफेक्ट तो क्रिएट करेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन उसे फ्री मिलेंगे जहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। पढ़ते हैं कि ये डोपिंग क्या होती है। कंडक्टर हमने पढ़ लिया, इंसुलेटर हमने पढ़ लिया, अब हम सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, कंडक्टर में आपको पता है मेटल्स आ जाते हैं, कॉपर आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, इंसुलेटर में रबर आ जाएगा आपका, ठीक है, और प्लास्टिक्स आ जाएंगे, ये आ जाता है। तो सेमीकंडक्टर को थोड़े डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसको मिटा दी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में हम पढ़ रहे हैं आपका जर्मेनियम और आर्सेनिक। ठीक है, ये आपका क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम इन्हें बोल रहे होते हैं। मैंने बोला इंडिविजुअली जब मैं इसका यूज करती हूँ प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल यूज के लिए, तो ये बहुत ही बेकार कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम क्या करते हैं, इसकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। क्या कर रहे हैं, हम कंडक्टिविटी इम्प्रूव कर रहे हैं, कंडक्शन इम्प्रूव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ डोपिंग, डोपिंग की मदद से हम कंडक्शन क्या कर रहे हैं, हम इसका इंक्रीज कर रहे हैं। कैसे करेंगे देखो, ठीक है, डोपिंग आपकी दो टाइप की होती है, यहाँ पे लिख दूँ डोपिंग, डोपिंग मेरी दो टाइप की होती है, एक होता है आपका एन टाइप की, एक होती है आपकी पी टाइप की डोपिंग। कैसे होगी, एन टाइप की डोपिंग का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। कैसे देखते हैं,
मैंने क्या किया, आपको पता है जर्मेनियम और आर्सेनिक जो आपका जर्मेनियम और सिलिकन हम लेते हैं, नॉट आर्सेनिक आई एम सॉरी, जर्मेनियम और सिलिकन होता है, मेरे से गलती हो गई, जर्मेनियम और सिलिकन होता है काशी गए, हाँ काशी गए संत प्रभु पढ़ते हैं हम, ये आपका कौन सा होता है 14 ग्रुप का हम ले रहे हैं, तो 14 ग्रुप में जर्मेनियम और सिलिकन हम लेते हैं, आर्सेनिक नहीं होता है, आर्सेनिक तो 15 ग्रुप का हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे हम जर्मेनियम और सिलिकन लेते हैं, सॉरी इसे याद रखना, जर्मेनियम और सिलिकन हम ले रहे हैं। अब जर्मेनियम और सिलिकन में क्या होता है, ऐसा हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते निकल जाती है चीजें थोड़ा सा गलत, बट ठीक है उसे करेक्ट कर लिया हमने अभी, तो बाद में फिर देखो वीडियो में फिर कमेंट में लिखो तो वो दिक्कत हो जाती है, तो अभी देख लिया हमने। तो मैंने क्या बोला, जर्मेनियम और सिलिकन हमें क्या पता होता है 14 ग्रुप का होता है, ये किसका होता है हमारा 14 ग्रुप का होता है। अब मैंने क्या बोला, आर्सेनिक ले लेते हैं, मैंने आर्सेनिक लिया, ये जो हमारा आर्सेनिक है इसमें मैंने क्या किया, ये हमारा 15 ग्रुप का होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों की कराई डोपिंग, लाइक यहाँ पे मेरा जर्मेनियम का लैटिस था, आर्सेनिक आया उसकी मैंने डोपिंग कराई। अब देखो आर्सेनिक आया उसने अपनी डोपिंग कराई, अगर मैं बात करूं जर्मेनियम की, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, चार होंगे, 14 ग्रुप का है, 1 2 3 4, ठीक है, एक ही तो नहीं होगा, बहुत सारे आर्सेनिक होंगे, ठीक है, 1 2 3 और 1 4, बहुत सारे आर्सेनिक होंगे, ठीक है, सॉरी बहुत सारे जर्मेनियम होंगे, बहुत सारे जर्मेनियम या फिर सिलिकन होंगे है ना, बहुत सारे जर्मेनियम और सिलिकन का लैटिस ये है, आर्सेनिक नहीं है, अभी मैं सिंगल जर्मेनियम और सिलिकन सेमीकंडक्टर की बात कर रही हूँ, तो एक ही तो जर्मेनियम सिलिकन नहीं होगा, बहुत सारे जर्मेनियम सिलिकन होंगे लैटिस में, मैंने डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा क्या है जर्मेनियम या फिर सिलिकन, यानी कि आप सिलिकन ही ले लो, ये मेरा सिलिकन का लैटिस है, चलो ऐसे करके ले लेते हैं आपको ज्यादा समझ आएगा, चार ही ले लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है, ये मेरा जर्मेनियम है। हमें पता है जर्मेनियम या सिलिकन में हमारे पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे मेरे चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने क्या किया, आर्सेनिक लाया और यहाँ पे डोपिंग करवाई, डोपिंग का मतलब इम्प्योरिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई, आर्सेनिक पे 15 ग्रुप का है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, चार तो इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, ठीक है, चार तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। अब एक जो हो गया वो इंटरस्टीशियल साइट में फ्री है, अब एक क्या है, इसके इंटरस्टीशियल साइट में फ्री है, क्या करेगा, फ्री है तो मूवमेंट करेगा, अब ये फ्रीली मूव कर रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, कंडक्शन इंक्रीज होगा, इसको हम एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, इतना समझ गए, एक ही तो नहीं होगा यहाँ पे सिलिकन जर्मेनियम, एक ही आर्सेनिक तो इंट्रोड्यूस नहीं होगा, बहुत सारे होंगे लैटिस में, बहुत सारे इंट्रोड्यूस होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मूवमेंट होगा और आपका कंडक्शन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पी में, पी में भी मैंने क्या ले लिया है, सिलिकन ले लिया है और आपका जर्मेनियम, दोनों में से एक चीज ले लिया है, हमें पता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, चलो लैटिस ले लेते हैं, अभी हम वही करेंगे, चार को लेके चलते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, जर्मेनियम ले लेते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब पी टाइप में मैंने क्या ले लिया, बोरोन ले लिया, ठीक है, बोरोन के पास कितना होता है आपके, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस 3 इलेक्ट्रॉन को यानी कि बोरोन को मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया डोपिंग के लिए, इम्प्योरिटी आई, एक कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ बना, एक कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ बना, एक कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ बना, एक तो आपका फ्री रह गया, अनपेयर्ड है, क्या होगा, मूवमेंट होगा, अगर ये मूवमेंट करेगा तो ये वाला होल हो जाएगा, डिफेक्ट ही क्रिएट करेगा। अब क्या होता है, यहाँ पे एक ही तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे डोपिंग होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पे मूवमेंट होंगे, डिफेक्ट भी क्रिएट होता है, मैं ठीक है मैं एग्री करती हूँ, डिफेक्ट क्रिएट हुआ, डिफेक्ट के क्रिएट होने के वजह से ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, इलेक्ट्रॉन के फ्री होने के वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, मूवमेंट के वजह से ही आपका क्या हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हुआ है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बाई चांस आपको नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना,
ठीक है, इतना हम समझ गए। ठीक, ये आपका होता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। यहाँ पे आपकी जो होती है 15 और 14 की डोपिंग हुई है और यहाँ पे हमारे 13 और 14 की हुई है। इसको हम एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इसको हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं और इसको हम एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इतना हम समझ गए। ठीक है, अब ये एन और पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूज होता है। इंडिविजुअली सिलिकॉन और जर्मेनियम तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करवाते हैं, इनका इतना प्रैक्टिकली यूज नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं इनकी इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि कंडक्शन को इम्प्रूव करूंगी तो इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूज होता है। क्या होता है वो देखते हैं। एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एनपीएन एन और पी टाइप का सेमीकंडक्टर का। तो एप्लीकेशन सबसे पहले ये आपका डायोड्स में यूज किया जाता है, डायोड्स बनाने में। और डायोड्स जो होता है वो आपका रेक्टिफायर की तरह यूज किया जाता है। अब आप बोलोगे मैडम ये क्या होता है। डायोड जो बेसिकली होता है ये आपका किससे बनते हैं, एन एन पी टाइप के सेमीकंडक्टर के एन एन पी टाइप सेमीकंडक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ एन एन पी टाइप सेमीकंडक्टर जब कंबाइन होते हैं तो आपके डायोड्स बनते हैं। डायोड्स का काम होता है रेक्टिफायर की तरह। क्या होता है, हमारे जो डायोड्स होते हैं बेसिकली ये आपका क्या करवाते हैं, आपका एक करंट फ्लो कराते हैं। यानी कि डायोड जो होता है सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में आपका करंट का फ्लो कराएगा, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, ये सिंगल डायरेक्शन में जो आपका करंट फ्लो हो रहा है बिल्कुल सही होता है। जो हमारे घरों में लाइट आ रही है, ठीक है, कैसे आती है, आपका ऑल्टरनेटिंग करंट से आपका डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होता है। दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज डायरेक्ट करंट। ये होती है आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट, ये होती है आपकी डायरेक्ट करंट। जो हमारे घरों में लाइट आती है वो बिल्कुल यही करती है। रेक्टिफायर एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। क्या होता है, सिंगल डायरेक्शन में हमारा करंट का फ्लो होता है, ये काम इसका होता है। सेकेंड हम बोलते हैं हम इसको ट्रांसिस्टर की तरह यूज करते हैं। अब ट्रांसिस्टर किससे बनता है, ट्रांसिस्टर जो होता है ये आपका एनपीएन पीएनपी ऐसे मिक्सिंग होती है, ऐसे कॉम्बिनेशन होता है आपका किसका, इन एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर का, ऐसे टाइप का। अभी कैसे लग रहा है, जैसे कि दो ब्रेड के बीच में आपने क्या डाल दिया है, आलू डाल दिया है। ऑमलेट में खाती नहीं हूँ इससे मैंने ऑमलेट नहीं बोला, आप लोग खाते होंगे तो आपको जो डालना है आप डाल सकते हो, सबके अपने अपने विषय। तो यहाँ पे मैंने दो ब्रेड के बीच में कुछ डाल दिया है, ठीक है, कुछ स्टफ मैंने यहाँ पे डाला है, ऐसी टाइप का तो लग रहा है, एक सैंडविच टाइप का ही है, तो इसीलिए हम इसे सैंडविच टाइप का सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, सैंडविच टाइप। ठीक, ट्रांसिस्टर हम इतना समझ गए। ठीक है, ट्रांसिस्टर का काम क्या होता है, ट्रांसिस्टर क्या करता है, एम्पलीफाई करता है ऑडियो और रेडियो सिग्नल को। क्या करता है ये, एम्पलीफाई करता है ऑडियो एंड रेडियो सिग्नल। ठीक, इतना हम समझ गए। तीसरा यूज देखते हैं, बहुत मतलब ये तो सबको पता होगा, तीसरा यूज आपका होता है फोटो डायोड। फोटो डायोड का काम क्या होता है, फोटो का मतलब क्या होता है आपका, सनलाइट के बारे में बात कर रहा होगा, लाइट के बारे में बात कर रहा होगा। फोटो डायोड आपका यूज किया जाता है सोलर पैनल में। आजकल सबके घर में सोलर सेल है, मेरे घर में नहीं है वो अलग बात है, मतलब मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 70% लोगों के घर में है। तो फोटो डायोड का काम क्या होता है, ये आपका, ठीक है, जो आपकी फोटोन होती है यानी कि जो आपकी सनलाइट की रेज होती है, फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है,
ठीक है, इतना हम समझ गए कि तीन यूज है। अगर मैंने डायोड की बात करी थी, मैंने बोला था ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एक सिंगल डायरेक्शन में आपकी लाइट ये आपका करंट को फ्लो करवा रहा है। लेकिन जब हमारे घरों में लाइट जाती है तो इन्वर्टर का क्या काम होता है? इन्वर्टर का काम क्या होता है, वो आपका रिवर्स डायरेक्शन में, अगर मान लो कि अगर बाहर से हमारी लाइट लेफ्ट टू राइट आ रही है, लेफ्ट टू राइट आ रही है, तो इन्वर्टर क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो कराएगा। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है उसको स्टोर करके रखता है, करंट का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी कि डायरेक्ट करंट से ऑल्टरनेटिंग करंट आपका बनता है। किस टाइम पे, जब लाइट जाती है, इन्वर्टर की मदद से। ठीक है, इतना हम समझ गए, हो गया हमारा, ठीक है, हमारा एप्लीकेशन भी यहाँ पे हो चुका है। चलो अब आगे देखते हैं। सिर्फ हमारे यही सॉलिड मटेरियल नहीं होते हैं, ऐसे करके ये ऐसे कॉम्बिनेशन करके बहुत सॉलिड मटेरियल को बनाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत बनते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, अगर एक होता है हमारा, मैं अगर मिक्स करवाया है उन्होंने, एक होता है हमारा गैलियम आर्सेनिक, या आपके बुक में भी है। ये जो आपका डायोड होता है ना, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देता है, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देता है, और ये अभी नया टाइप का बना है, मतलब काफी फैसिलिटीज है इनमें, बहुत ही ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स हमें देता है। गैलियम और आर्सेनिक कौन से ग्रुप का है? आर्सेनिक 14 का है, नहीं 15 का है। गैलियम किसका है? 13 का है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि चारों के चारों इलेक्ट क्या हुआ है आपका, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके, 3 इलेक्ट्रॉन इसके, यहाँ पे आपका क्या हो गया है, ये 3 के साथ 4 का क्या हो चुका है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि मैम टोटल 8 हो गए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, बेटा अगर मैं आर्सेनिक का बना दूं, अगर मैं बोलूं 5 है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, और मैंने यहाँ पे आपका गैलियम का क्या करवाया है, डोपिंग कराई है, तो 1 कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ, 1 इसके साथ, 1 इसके साथ, 2 तो फ्री है ना, ये दोनों थोड़ी ना बॉन्ड बनाएंगे, तो ये जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका मूवमेंट होगा। तो ये जब मिक्स होते हैं तो इनका जो डायोड बनता है वो बहुत ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स देता है, अभी नया टाइप का ही है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत, फिर आगे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। करंट के जनरेट होने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि हमें इतना पता होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, आपको पता है करंट के फ्लो, करंट आपका फ्लो कर रहा है, करंट आपका जनरेट हो रहा है, करंट के जनरेट होने से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, हमें ये पता होता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि सॉलिड की जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी उसकी कुछ ना कुछ होगी। तो क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, क्या नहीं होती है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी वही देगा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इतना हम सबको पता है ना, बड़े बच्चे हो गए हम, 12th में चले गए, हमें पता ही है। बाकी हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बेसिक है ना, ठीक है। और फिजिक्स में तो आप इससे ज़्यादा पढ़ लेते होंगे। तो नेक्स्ट हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सॉलिड की, मेटल्स की, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ। डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, क्या होता है एंटी फेरो, फेरो, फेरी, कवर करके हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा ये वाला, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।